नमस्कार टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण यहाँ पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। और ये 8 से लेकर 15 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सअप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले टॉरस हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं उनकी वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, फिर देखते हैं वो चाहते क्या हैं, और फिर देखेंगे कि आप क्या महसूस करते हैं, आप क्या चाहते हैं, ये आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ, वो क्या महसूस करते हैं। 2 of Cups, 8 of Swords, 4 of Swords एंड बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ कप्स। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अगर एक बिगनिंग एक शुरुआत की जाती है तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है। यानी कि टॉरस जो आपके पर्सन हैं उन्हें फील हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में काफ़ी एंजाइटी स्ट्रेस मिला है, काफ़ी प्रॉब्लम में रही वो उनको महसूस हो रहा है कि जितना वो इस प्रॉब्लम से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन फिर भी वो महसूस कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हुआ हो वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए जो भी उनका दिल दुखा है, मन दुखा है, वो महसूस कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे, यूनिवर्स के भरोसे कुछ चीज़ों को छोड़ेंगे। अगर वो हीलिंग मेडिटेशन करेंगे तो धीरे धीरे करके इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर आ पाएंगे। बार बार उनको लग रहा है कि उन्हें रेस्ट कर लेना चाहिए, थोड़ा सा आराम करना चाहिए, और बजाय कि दुविधा में रहने के हल और सॉल्यूशन वो इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे तो धीरे धीरे करके जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी और धीरे धीरे करके इसका हल और सॉल्यूशन निकलेगा। और वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में एक बिगनिंग एक शुरुआत करेंगे तो आगे जाकर ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, एक आत्मिक रिश्ता हो सकता है। तो इसलिए आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में एंजाइटी स्ट्रेस को छोड़ते हुए और थोड़ा सा स्पेस लेते हुए यानी कि हीलिंग मेडिटेशन करते करके इस रिश्ते में एक बिगनिंग एक शुरुआत करनी चाहिए। तो वो एक बिगनिंग एक शुरुआत करने वाले हैं। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस आपके पर्सन क्या चाहते हैं, टॉरस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 2 of Swords, द स्टार एंड 9 of Swords एंड बॉटम ऑफ द डेक द फूल। टॉरस आपके पर्सन इस रिश्ते में थोड़ा सा उनको वो चाहते हैं कि इसमें भले ही जंप ना लगाया जाए, वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जंप नहीं लगाना चाहिए, नादानी बचपना नहीं करनी चाहिए। एक दूसरे से बातें करते हुए जो क्रॉस मार्ग पर लटके हुए हैं, ना तो इधर हो पा रहे हैं ना तो उधर हो पा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि रुक कर ठहर कर 2 कदम पीछे हटते हुए आँखों से पटिया खोलते हुए सोच विचार करके अगर इस रिश्ते को हील करते हैं, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की जो नॉन पर्सन है उनकी मदद लेते हुए अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, गोल्डन स्टार हो सकता है। और उसके लिए उन्हें चाहे किसी को भी दुख हुआ हो, क्योंकि वो टॉरस आपके जो पर्सन हैं वो चाहते हैं कि चाहे टॉरस की वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है या उनके पर्सन की वजह से ख़राब हुआ है, चाहे किसी की वजह से भी ये रिश्ता ख़राब हुआ है, लेकिन अगर इसमें स्टैंड लेंगे, हालांकि अभी भी हो सकता है कि दोनों तरफ से ही या नहीं तो आपके जो पर्सन हैं वो अभी भी किसी परेशानी से अभी भी जूझ रहे हैं, अभी भी वो चौटिल हैं, दुखी हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, क्योंकि रिश्ता एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से ख़राब हुआ है।
तो इस रिश्ते को गोल्डन स्टार बनाने के लिए, एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर इस रिश्ते में हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा, तो तभी तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, तभी तो इस रिश्ते की खुशियाँ वापस आएंगी, क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है, तो इसीलिए इसमें हीलिंग मेडिटेशन जरूरी है और किसी एल्डर गुरु की मदद लेते हुए आगे बढ़ना जरूरी है। तो देखते हैं टॉरस आप क्या महसूस करते हैं। सॉरी गाइस, मुझे लग रहा है कि शायद एक जगह मैंने स्कॉर्पियो बोला, अगर बोला है तो सो सॉरी। टॉरस देखते हैं आपके पर्सन, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। द मून, द हाई प्रिस्टेस, द एम्प्रेस एंड द वर्ल्ड। तो टॉरस आपके पर्सन जो हैं अननोन फियर से वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी है। जितना वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं। हो सकता है कि उनके पर्सन उनके प्रति लॉयल नहीं हैं, ऑनेस्ट नहीं है, कोई चीटिंग, कोई फ्रेब, कोई धोखाधड़ी, वो उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, उनके साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। और लेकिन फिर भी उनको महसूस हो रहा है कि बजाय कि किसी तीसरे बाहर वाले पर्सन की बातें मानने के, अगर वो आमने सामने खुल कर बातें करते हैं और चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए समझदारी के साथ एक्शन लेंगे, यूनिवर्स पर को सरेंडर करते हुए अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता क्रिएटिव बन सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते में हो सकती हैं। और बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि अगर इस रिश्ते को क्रॉस मार्ग पर नहीं लटकाया जाता, अदर में नहीं लटकाया जाता, तो एक नए सिरे से, एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ अगर इसमें एक नई स्टार्टिंग की जाती है, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो टॉरस आप महसूस कर रहे हैं, टॉरस महसूस कर रहे हैं कि या तो इस रिश्ते को बिल्कुल ही ख़त्म कर देना चाहिए, या तो नए सिरे से नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करना चाहिए, ताकि धीरे धीरे ये रिश्ता क्रिएटिव हो सके, अवर्नेंस आ सके, प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली और नेम और प्रेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिल सके और जो भी परेशानी, जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो सके। तो वो उनको महसूस हो रहा कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए समझदारी के साथ एक्शन लेना पड़ेगा। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं टॉरस, टॉरस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, टॉरस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। टेम्परेंस, थ्री ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स। टॉरस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो जगल ना करे, जगलिंग फेज में ना रहे, उन्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं या फिर वो दूसरे तरफ जाना चाहते हैं। तो आप चाहते हैं कि उनके जो पार्टनर हैं वो इसमें जगल ना करें, जिग जैग ना करें, वो डिसाइड करें कि उन्हें इस रिश्ते में वापस आना है या फिर नए रिश्ते की तरफ जाना है। अगर वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो उन्हें इस रिश्ते में जो भी अब बैलेंस चीज़ें बनी हुई हैं, जो अब तो उन्हें अपने टेंपर को, अपने गुस्से को छोड़ देना चाहिए और पर्सनल जो लाइफ है और प्रोफेशनल जो लाइफ है उसमें जो भी इम्बैलेंस है उसमें बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। कि जब घर गृहस्थी का समय है तो उस समय वो काम करने चाहिए और प्रोफेशनल टाइम में जो बाहर के टाइम है काम है वो करने चाहिए। और जो भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं कि जो भी उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है वो उन्हें किसी के साथ शेयर ना करें, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स अपने तक सीमित रखें, क्योंकि उनसे रिश्ते पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है और वो
अपने गुस्से को छोड़कर, अपने एंगर को छोड़कर अगर पेशेंटली हैंडल करेंगे, प्यार से प्रेम से एक दूसरे के साथ बातें करेंगे, वो ना तो ज़्यादा ही बातें करें और ना ही बहुत ज़्यादा दूरियां बनाएं, क्योंकि दोनों चीज़ें ही गलत हो सकती हैं। तो क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बातें होती है तो लगता है कि वो दिखावा कर रहे हैं, और बिल्कुल बातें नहीं करते तो लगता है कि उनमें ईगो आ गई है। तो हर चीज़ में बैलेंस बनाकर चलने की इसमें ज़रूरत है। और वो चाहते हैं कि उनके साथ अगर वो टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट करेंगे, अपने इमोशंस एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, अपनी बातें बताएंगे, दूसरे की सुनेंगे, तो धीरे धीरे करके जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, जो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए अगर वो आगे बढ़ेंगे, और जो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि जो इस रिश्ते में वाद विवाद है, जो एंजाइटी स्ट्रेस है, चाहकर भी इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने की वो एक दूसरे से बातें करते हैं जो वह आपस में हो नहीं रही हैं, या तो टॉरस जो आप नहीं कर पा रहे हैं, या तो आपके पर्सन नहीं कर पा रहे हैं, या तो हो रही हैं बातें, हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही हैं। तो इन आँखों से पट्टियाँ खोलते हुए स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से, इस जकड़न से अगर आप चाहते हैं कि अगर वो इस जकड़न से बाहर निकलना चाहते हैं, तो धीरे धीरे करके उन्हें एक दूसरे से बातें करनी चाहिए, ताकि धीरे धीरे करके जो भी प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो सके और ये रिश्ता आगे बढ़ सके। तो आप चाहते हैं कि सबसे पहले जो जगल कर रहे हैं, जगलिंग फेज से उन्हें बाहर निकलना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए कि उन्हें क्या करना है। देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा, टॉरस पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। टॉरस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है फोर ऑफ कप्स। तो टॉरस, या तो आपके पर्सन ने डिसाइड किया है कि वो और कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे, वो क्योंकि वो बार बार चाह रहे थे कि चाहे कुछ भी हो, उन्हें वही पर्सन अपने लाइफ में चाहिए जो अब नहीं है, तो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो और कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे, वो करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, और डिटैच ना होकर, कॉल्ड ना होकर वो अगर निष्पक्ष भावना से एक दूसरे से बातें करनी चाहिए या करेंगे, ताकि धीरे धीरे करके जो इस रिश्ते में जो ठहराव नहीं है, इन एंड आउट की स्थिति है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो एक दूसरे से कमिटमेंट वगैरह नहीं दिया जा रहा है, तो अगर प्रिपेयर होकर, रेडी तैयार होकर कमिटमेंट वगैरह एक दूसरे से करेंगे, तो ये रिश्ता जो है वो कन्फ्यूज़न, वो परेशानी, तकलीफ ख़त्म हो सकती है और उन्हें आगे बढ़ने का मार्ग मिल सकता है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलते हुए अगर ये डिसाइड कर लिया जाता है कि वो और कन्फ्यूज़न में ना रहकर अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए ये तय करेंगे कि उन्हें हर हालत में इस रिश्ते को कामयाब बनाना है, तो और दोनों पक्षों की बातें सुनेंगे, तो ये जो है इसका आउटकम काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है, काफ़ी कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है, और धीरे धीरे करके चीज़ें उनके फेवर में आ सकती हैं। तो देख लेते हैं टॉरस के लिए यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, टॉरस को क्या करना चाहिए अभी, क्या नहीं करना चाहिए। Don't let your past hold you back. Your dreams need a practical plan and your commitment is being tested. Be bold and make the first move. तो यूनिवर्स से गाइड करना चाहते हैं कि आपको जो आपका अहम है, जो आपका घमंड है, आप यानी कि कह सकते हैं कि अपने पास्ट को प्रेजेंट पर हावी मत होने दीजिए। जो जो
पास्ट में था उसे पास्ट में ही छोड़ दीजिए, उसे पीछे छोड़ दीजिए, उसको अपने साथ लेकर मत चलिए, यानी कि डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, अपने पास्ट को पीछे छोड़कर आप आगे बढ़िए, जो गलत चीज़ें थी उन्हें पीछे ही छोड़ दीजिए। योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान, अपने सपनों को साकार करने के लिए, एक अच्छा रूप देने के लिए आपको एक, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सोचने से नहीं काम चलेगा, प्रैक्टिकल प्लान यानी कि आपको कुछ ना कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा, एक ऐसा काम करना पड़ेगा जो आगे बढ़ने में आपकी मदद कर सकता है। अगर आप हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहे, सिर्फ और सिर्फ सोचते रहे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सपनों को साकार करने के लिए, सपनों को आगे बढ़ाने के लिए आपको आपको आगे बढ़ना है, आगे अच्छी प्लान्स बनानी है और उन पर अमल करना है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, यूनिवर्स ही आपके आपको टेस्ट करना चाहते हैं, आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं कि जो आपने कमिटमेंट वगैरह दिए हैं, जो आपने इकरार किया है, आप उन पर कितना खरा उतर रहे हैं। तो यूनिवर्स ही आपकी परीक्षा ले रहे हैं, आपका टेस्ट करना चाहते हैं कि आप अपने जो कमिटमेंट वगैरह देते हैं, जो दूसरे से ये कहते हैं कि आप ये करेंगे इस काम को, आप उस पर कितना खरा उतरते हैं, और उसके लिए आपको हिम्मत जुटाने की ज़रूरत है। हिम्मत रखिए, हौसला रखिए एंड पहला कदम आगे बढ़ाइए, यानी कि अपने प्यार की तरफ अगर आप पहला कदम बढ़ाएंगे, धीरे धीरे करके जो गिले शिकवे हैं, जो परेशानियां हो ख़त्म होंगी, पास्ट में जो भी गलत हुआ है आपके साथ या आपके पार्टनर के साथ, उसको मत दोहराइए, पास्ट की परेशानियों को पास्ट में ही छोड़ दीजिए, उसे प्रेजेंट में मत आने दीजिए, और अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़िए, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कीजिए। यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं, आपका टेस्ट लेना चाह रहे हैं, आपकी परीक्षा लेना चाह रहे हैं कि जो आप इकरार करते हैं, जो वादा करते हैं, जो डिसाइड करते हैं, उस पर आप कितना खरा उतरते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।